हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या है? ऊजेनेसिस है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज सेकेंडरी ओसाइट, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मैंने आपको ओवरी के बारे में जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि ऊजेनेसिस का प्रोसेस जो है ये कब स्टार्ट होता है? बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल। या हम कहेंगे फीटल लाइफ में, जब एक फीमेल खुद फीटस की फॉर्म में अपने मदर की यूट्रस के अंदर होती है, तभी उसके अंदर ऊजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही चलता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं आपको भी चार्ट बनाकर बताऊंगी, उसमें पता चलेगा। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि फीमेल के अंदर हमने पढ़ा था कि उगोनिया होते हैं। उगोनिया कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं प्राइमोर्डियल सेल से। प्राइमोर्डियल सेल क्या हुए? जो ओवरी है उसकी, जो हमने ओवरी की एक लाइनिंग की थी, दैट इज सबसे बाहर वाली हमने की थी, इसकी चिनिका एल्बुजिनिया। और इसके अंदर वाली लेयर को हमने क्या कहा था? जर्माइनल जी इलियम। यस, जर्माइनल एपिथीलियम। जो जर्माइनल एपिथीलियम है इसके कुछ एक सेल्स, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स। प्राइमोर्डियल सेल्स मींस ये पहले के सेल्स हैं और इन्हीं से आगे चलकर फीमेल का गैमेट जो है वो बनेगा। तो ओवरी के जो ये प्राइमोर्डियल सेल्स हैं ये डिवाइड कर कर क्या बनाते हैं? उगोनिया। ये उगोनिया कब कर बनते हैं? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। जब एक फीमेल अपनी फीटल लाइफ में है तो उसकी ओवरी के अंदर जो जर्माइनल एपिथीलियम है वो जर्माइनल एपिथीलियम के सेल्स डिवाइड करके, माइटोसिस करके क्या बनाते हैं? उगोनिया। तो ये है हमारे पास उगोनिया। तो आपको पता चल गया कि उगोनिया कहाँ से बन रहे हैं। उगोनिया बन रहे हैं जर्माइनल प्रिमाइडल्स प्राइमोर्डियल सेल से, जर्माइनल एपिथीलियम की लाइनिंग से। अब ड्यूरिंग फीटल लाइफ ये उगोनिया ओवरी के अंदर जो है जाकर, वहां पर ओवरी के कॉर्टेक्स के अंदर जाकर और ज्यादा डिवाइड करते हैं और बनाते हैं मोर उगोनिया। ये डिवीजन होती है माइटोसिस। ये सब काम कब हो रहा है? ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये सब काम हो रहा है ड्यूरिंग फीटल लाइफ। हमने पढ़ा था, पहले भी आपको बताया था, कितने होते हैं उगोनिया? 7 to 8 lakhs। 7 to 8 lakhs उगोनिया जो है वो तैयार हो जाते हैं। और ये उगोनिया अब बहुत सारा फूड जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। इनकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का कारण क्या होता है? कि ये जो उगोनिया है इनमें बहुत सारा फूड जो है वो भर जाता है
और ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और अब जो ये स्ट्रक्चर बना ऊगोनिया से, ये क्या है, दिस इज प्राइमरी ओसाइट। ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। ऊगोनिया कहां से बने, ओवरी की जो दो लाइनिंग्स होती हैं, ट्यूनिका एल्बुजेनिया और उसके अंदर जर्माइनल एपिथीलियम। जर्माइनल एपिथीलियम के सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स, ये सेल्स डिवाइड कर क्या बन जाते हैं, ऊगोनिया। ऊगोनिया जो है फिर और डिवाइड करके अपने जैसे और ऊगोनिया बनाते हैं, और वो ऊगोनिया अब बहुत सारा फूड इकट्ठा कर साइज में बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट मीन्स अपना साइज और शेप को वो बदल लेते हैं। अब ये ऊगोनिया जिन्होंने डिफ्रेंशिएशन कर ली, अब वो ऊगोनिया नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी ओसाइट। ये सब काम कब होता है, ये सब जो प्रोसेस चल रहा है, प्राइमरी ओसाइट जो बन रहे हैं, दिस प्रोसेस इज एट बर्थ। जितने भी प्राइमरी ओसाइट एक फीमेल ने बनाने हैं वो एट बर्थ अपने बना चुकी होती है प्राइमरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट ही उसकी जो है चाइल्डहुड में प्राइमरी ओसाइट ही रहते हैं, और बहुत सारे जो प्राइमरी ओसाइट है वो एट्रेजिया में चले जाते हैं। एट्रेजिया मींस वो डीजनरेट हो जाते हैं। बाकी के जो बचते हैं प्राइमरी ओसाइट, जो एज इट इज प्राइमरी ओसाइट रहते हैं, अब ये प्राइमरी ओसाइट प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी मतलब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है उस टाइम पर, ये जो प्राइमरी ओसाइट है अब ये डिवाइड करता है बाय द डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस। मियोसिस हमें पता है दो स्टेप में होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो ये प्राइमरी ओसाइट जो है मियोसिस वन करता है, मियोसिस वन के बाद एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन अभी क्या है, ये जो डिवीजन है वो अनइक्वल है, एक सेल छोटा बनता है और एक सेल जो है वो बड़ा बनता है। ये चीज डिफरेंट है ओजेनेसिस में। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को साथ साथ में रिकॉल करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या थे, स्पर्मेटोगोनिया। जैसे ओजेनेसिस में ओगोनिया, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया थे, डिवाइड करके उन्होंने क्या बना दिए थे, और स्पर्मेटोगोनिया। सेम ऐसे ही फिर उनकी ग्रोथ डिफरेंशिएशन हुई, तो जहां मैंने ये बनाया है प्राइमरी ओसाइट, यहां पर क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इतनी तक तो सेम है स्पर्मेटोजेनेसिस में और ओजेनेसिस में, दोनों में इतना प्रोसेस तो सेम है। मैं ऊपर लिख देती हूं, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दिस इज ओजेनेसिस। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था उसने क्या करा था, मियोसिस करी थी वन, और दो इक्वल सेल्स में बदल गया था, जिन्हें हमने क्या बोला था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्राइमरी जो ओसाइट है वो मियोसिस वन कर रहा है, लेकिन अनइक्वल दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो प्यूबर्टी तक आते आते ये डिवीजन जो है वो हो जाती है, लेकिन अभी मियोसिस वन जो है पूरी नहीं होती, ये क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, या अरेस्ट कह सकते हैं हम। अरेस्ट होना मतलब ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, रुक जाती है। कौन सी स्टेज पर रुक जाती है, कौन सी स्टेज पर अरेस्ट हो जाती है, प्रोफेज पर, प्रोफेज वन। अगर आपको प्लस वन का जो है डिवीजन वाला चैप्टर याद हो तो आपको याद होगा, मियोसिस जो है मियोसिस वन और टू दो स्टेजेस में होती है, और मियोसिस वन जो है उसके भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चार फेजेस होती है, और मियोसिस टू में भी सेम यही होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती है। मियोसिस वन की जो प्रोफेज है बस वहीं तक ही डिवीजन होती है, और ये डिवीजन वहीं पर रुकी रहती है, और ये डिवीजन से क्या बनता है एंड पे, यहां पर बनता है
सेकेंडरी ओसाइट। अब प्यूबर्टी तक, यानी कि जब फीमेल के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए, समझ लो 12 इयर्स पर, तब सेकेंडरी ओसाइट उसके अंदर बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मियोसिस अभी भी यहाँ पर रुकी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये जो मियोसिस है इसकी फिर से आगे जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अभी भी ये मियोसिस जो है वो रुकी रहेगी। जो दूसरा सेल मैंने आपको बताया, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बना है, जो छोटा सेल बनता है उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी, क्योंकि ये फर्स्ट बनी है, पहली पोलर बॉडी बनी है। टोटल दो पोलर बॉडीज बनती हैं ओजेनेसिस के अंदर, ओजेनेसिस की मियोसिस से। तो पहली बनी है तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसके साथ तैयार हो गया हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट, जो फीमेल अपनी मैक्सिमम लाइफ में लेकर चलती है, और सेकेंडरी ओसाइट जिसे हम फीमेल का गैमेट भी कह सकते हैं। अब इस सेकेंडरी ओसाइट में प्यूबर्टी के बाद जब स्पर्म एंटर होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जैसे ही स्पर्म टच करता है इस सेकेंडरी ओसाइट की वॉल को, साथ के साथ ही ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो अपनी मियोसिस टू डिवीजन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। और ये मियोसिस टू जो डिवीजन है, इसके बाद अगेन अनइक्वल डिवीजन होती है। ये मियोसिस टू भी एक जैसी डिवीजन नहीं होती, एक सेल छोटा बनता है और एक सेल जो है वो बड़ा बनता है। जो अब ये बड़ा सेल बना है, जिसके अंदर स्पर्म भी अभी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इस बड़े सेल को अब हम बोलेंगे ओवम। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि फीमेल का गैमेट ओवम नहीं होता, ओवम सिर्फ कुछ सेकंड्स का स्ट्रक्चर होता है जब स्पर्म जो है सेकेंडरी ओसाइट में एंटर करना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद जैसे ही वो एंटर कर जाता है, तो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बना देता है, जायगोट। तो ओवम तो वो कुछ सेकंड्स के लिए रहा, पूरी लाइफ मैक्सिमम लाइफ फीमेल के अंदर जो है गैमेट जिसको हम कह सकते हैं वो क्या चीज है, दैट इज सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। लेकिन ये डिविजन जो है ये दोनों ही मियोसिस में अनइक्वल होती हैं। अभी भी इसमें क्या है कि जब ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो तैयार हो भी जाता है ना, तो सेकेंडरी ओसाइट की मियोसिस जो है टू वो शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस टू स्टार्ट हो जाती है। खत्म कब होती है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है इसके अंदर। तो ये मियोसिस जो स्टार्ट हुई थी ये कहां पर आकर रुकी रहती है, ये रुकी रहती है एट मेटाफेज टू, मियोसिस टू की मेटाफेज पर ये रुकी ही रहती है। कंप्लीट कब होती है मियोसिस टू, जब स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, तो वो डिवीजन कंप्लीट और ओवम बन जाता है। अब यहां पर अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो क्या हो रहा था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, इनके अंदर फिर से जो है क्या हुई थी, मियोसिस ये वन हुई थी, तो मियोसिस टू हुई और इससे क्या बना था, स्पर्मेटिड। और फिर स्पर्मेटिड ने अपना साइज शेप चेंज कर क्या बना दिए थे, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो मियोसिस में जो सेल डिवाइड हो रहा है वो इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, ये एक से ये दो बन गए, ये वाले एक से ये दो बन गए, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, चार जो है स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक प्राइमरी ओसाइट से कितने सेकेंडरी ओसाइट तैयार हो रहा है, ओनली वन। तो फीमेल के अंदर अगर हम एमसीक्यू की फॉर्म में ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें, तो हाउ मेनी प्राइमरी ओसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 सेकेंडरी ओसाइट और 100 ओवम, तो इक्वल, जितने ओवम या जितने सेकेंडरी ओसाइट बनाने हैं उतने ही प्राइमरी ओसाइट हमें रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन मेल्स के केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हो रही है, एक से दो सेल बन रहे हैं, उसमें दोनों सेल्स जो है वो इक्वल साइज के नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है।
छोटा सेल किसी काम नहीं आता, और ये जो दूसरा भी बना है इसे हम बोलेंगे सेकेंड पोलर बॉडी। जैसे ही स्पर्म एंटर होता है सेकेंडरी ओसाइट में, ये पोलर बॉडीज डीजनरेट हो जाती है, इनका कोई काम नहीं होता। बेसिकली इनका काम क्या है, सिर्फ मियोसिस को पूरा करवाना। लेकिन ये मियोसिस जो है पूरी हो, और अनइक्वल डिवीजन इसलिए होती है क्योंकि एक ही ओवम बनना है। फीमेल के बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं उनमें से किसी एक फॉलिकल में से ही सेकेंडरी ओसाइट एक महीने में एक ही ओवरी से रिलीज होता है। और फर्क क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओगोनिया से जो ये प्राइमरी ओसाइट बना है, ये प्राइमरी ओसाइट अकेला नहीं होगा, इसके बाहर एक लेयर होगी किसकी, ग्रैनुलोजा की। और ग्रैनुलोजा की लेयर वाला जो ये प्राइमरी ओसाइट है इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। फिर इससे बना सेकेंडरी ओसाइट, और प्राइमरी फॉलिकल अभी क्या कर रहा है, सेकेंडरी ओसाइट जब तक नहीं बना इसके बाहर एक और लेयर आ गई। कौन सी लेयर हमने की थी, दैट वाज फीका। तो ग्रैनुलोजा, थीका और प्राइमरी ओसाइट, इन तीनों को मिलाकर क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब मियोसिस वन हो गई तो वो क्या बन, अंदर बन गया सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट इन्हीं लेयर्स के साथ मिलाकर क्या बनता है, टर्शरी फॉलिकल। ये सब आपने इसमें लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, बता रही हूँ। ओजेनेसिस के चार्ट में तो जो मैंने ब्लैक से लिखा है दैट इज इनफ, ये आपने ये स्टेजेस बता दिए सब, ठीक है। और फिर जब हमें सेकेंडरी ओसाइट निकलता है ओवम बनने के लिए, स्पर्म उसके अंदर एंटर करता है, तब तक वो क्या बन चुका होता है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफिन फॉलिकल। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनके बाहर कोई भी लेयर सेल्स की नहीं होती है, ये एज इट इज ही होती है, कोई प्रोटेक्टेड नहीं होते। जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में किया था कि तीन स्टेजेस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, सबसे पहली फेज मल्टीप्लीकेशन फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज, और उसके बाद मैच्योरेशन फेज। ऐसे ही यहां पर भी हो रही है, जब ओगोनिया बन रहे हैं, बहुत सारे ओगोनिया बन रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज। जब ओगोनिया बनकर प्राइमरी ओसाइट बन गया, इसने फूड जो है अपना स्टोर कर लिया, तो ये क्या हो गई, ग्रोथ फेज, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, और उसके बाद वाली ओवम तक बनने की सारी क्या हो गई, मैच्योरेशन। तो तीन फेज में ये ओजेनेसिस का भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, क्लियर है इतना। दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं ड्रॉ करती हूँ और फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं। ओवरी के जो जर्माइनल एपिथीलियम है उसके स्पेशल सेल्स प्राइमोर्डियल सेल्स डिवाइड कर क्या बनाते हैं, ओगोनिया। ओगोनिया अभी लगातार डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस और बना देते हैं मोर ओगोनिया। ये पूरा फेज जो है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट फेज मल्टीप्लीकेशन फेज। ओगोनिया जो है ये फिर फर्दर जो है अपना साइज बढ़ा लेते हैं, बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर करके, यानी कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो जाती है इनके अंदर, और ये एक बड़ा सेल बन जाते हैं, दैट इज प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट
यानी कि यूगोनिया से प्राइमरी ओसाइट का बनना, ग्रो करना, दैट इज ग्रोथ फेज। प्राइमरी ओसाइट जो है, अब जब ये ग्रो कर गया है तो इसके बाद ये शुरू करता है अपनी एक्चुअल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। ये करता है मियोसिस वन, लेकिन ये मियोसिस वन अरेस्ट हो जाती है अप टू प्रोफेज। सिर्फ प्रोफेज वन ही हो पाती है पूरी, आगे मेटाफेज तक ये स्टेज नहीं जाती। और प्राइमरी ओसाइट जो है इस मियोसिस के बाद दो अनइक्वल सेल्स बना देता है। जो ये छोटा सेल बनता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, और बड़ा सेल जो बना है वो बन जाता है सेकेंडरी ओसाइट। ये सेकेंडरी ओसाइट जो बना है इसके अंदर मियोसिस चल रही है, लेकिन मियोसिस फिर से अरेस्टेड है। अरेस्टेड है कौन से फेज तक? मेटाफेज टू तक। उसके बाद जैसे ही इस सेकेंडरी ओसाइट में एंटर करता है स्पर्म, तो ये कंप्लीट कर लेता है अपनी मियोसिस और बदल जाता है इनटू एन ओवम। और दूसरा छोटा सेल जो बना, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी। इस पूरे फेज को हम बोलेंगे थर्ड फेज, दैट इज मैच्यूरेशन फेज। ये क्या है? मैच्यूरेशन फेज। अब किस किस स्टेज में होता है ये हम देखें। ओगोनिया कब तक बनते हैं? फीटल लाइफ में ओगोनिया बनते हैं, फीटल लाइफ में। प्राइमरी ओसाइट जो है वो बन जाते हैं बर्थ तक और चाइल्डहुड तक एज इट इज रहते हैं। सेकेंडरी ओसाइट कब तैयार होता है? एट प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं तो सेकेंडरी ओसाइट तैयार हो जाता है। और उसके बाद एडल्टहुड में या फर्टिलाइजेशन के टाइम ओवम जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम ये देखें इनमें से डिप्लॉयड कौन है और हैप्लॉयड कौन है, इनकी प्लॉयडी देखें। अब ओगोनिया जो है वो ओवरी की लाइनिंग के सेल है, ओवरी ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, तो वो डिप्लॉयड, तो ओगोनिया भी क्या है? डिप्लॉयड, यानी कि इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। लेकिन ओगोनिया ने अभी डिवीजन कौन सी की है? माइटोसिस। और उस माइटोसिस से क्या बना है? प्राइमरी ओसाइट। इसीलिए प्राइमरी ओसाइट भी अभी भी क्या होगा? डिप्लॉयड। जितना हमारा बॉडी का क्रोमोसोम नंबर है उतना ही क्रोमोसोम नंबर किसका होगा? प्राइमरी ओसाइट का। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है इसने मियोसिस वन शुरू कर दी, लेकिन कुछ हद तक जाकर अरेस्ट कर दी है। लेकिन मियोसिस वन जैसी कंप्लीट हुई और सेकेंडरी ओसाइट बना मेटाफेज टू तक आते आते, तो सेकेंडरी ओसाइट अब क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इसका क्या हो जाएगा? हाफ। मियोसिस वन यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये चार जब स्टेजेस हो जाएंगी तो सेकेंडरी ओसाइट तैयार हो जाएगा, यानी कि मियोसिस वन हो जाएगी। और मियोसिस वन हमें पता है होने के साथ साथ एक सेल दो सेल में बदलते हैं और क्रोमोसोम नंबरों का क्या हो जाता है? हाफ। तो प्राइमरी ओसाइट जहां से मियोसिस शुरू हुई थी उसका क्रोमोसोम नंबर 46, तो सेकेंडरी ओसाइट का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23। और मियोसिस टू के बाद हमें पता है कोई भी और क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, तो ओवम का क्रोमोसोम नंबर भी कितना है? हैप्लॉयड, यानी कि कितना क्रोमोसोम? 23। यहां पर हो रही है मियोसिस कंप्लीट हो रही है और ये ओवम तैयार हो गया। दिस इज ऑल अबाउट ओजेनेसिस, किस तरह से ओवम या सेकेंडरी ओसाइट बनता है। इससे रिलेटेड एक टर्म आती है, बहुत बार पूछा जाता है, ओव्यूलेशन। ये मैंने आपको बार बार क्लियर किया है कि फीमेल का गैमीट क्या है? ओवम नहीं है, वो क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। तो ओव्यूलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ mature female gamete, that is secondary oocyte
फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन होती कब है? ओव्यूलेशन अकर्स एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे या मिड पर होती है ओव्यूलेशन. अगर हम 28 डेज का साइकिल मानते हैं मेंस्ट्रुएशन का फीमेल के अंदर, तो उसका एग्जैक्टली हाफ यानी कि 14th डे पर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है. कहां पर रिलीज होता है? 14th डे. ये ओवरी में से निकलकर कहां पर आ जाता है? एट एम्पुला. ये एम्पुला में आकर सेकेंडरी ओसाइट जो है वो पड़ा है. ठीक है, कब तक पड़ा रहता है? 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ये सेकेंडरी ओसाइट एज इट इज यहीं पर पड़ा रहता है और वेट करता है कि यहाँ वजाइना के थ्रू यहाँ से स्पर्म आए. अगर स्पर्म आ गया तो ये सेकेंडरी ओसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू एन ओवम. ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम डाउट्स करते हैं.